कोर्ट के निर्णय के कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति के बीच संबंधों को लेकर पोस्टकार्ड अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें पीएम को कार्ड भेजकर कुछ अहम सवाल पूछेंगे। अभियान की जानकारी देने के लिए कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गुजरात के सूरत की कोर्ट के द्वारा 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने पूर्व सांसद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। कांग्रेस दल के नेता इन कारणों से बौखलाए हुए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पोस्टकार्ड अभियान का शंखनाद किया है, जिसके माध्यम से पार्टी के नेता पीएम को पोस्टकार्ड भेजकर कुछ अहम सवाल पूछेंगे। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसियों ने बताया कि उनके 3 प्रमुख सवाल हैं, जिसमें चुनाव के दौरान गौतम अडानी ने भाजपा को कितना चुनावी फंड दिया, प्रधानमंत्री के आधिकारिक विदेश दौरों के बाद अडानी को कितने ठेके मिले और अडानी किस तरह 8 वर्ष में दुनिया के 609वें स्थान से दूसरे सबसे धनी उद्योगपति बन गए। हर जिलों में पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, जिसमें हम लोगों ने मोदी जी से सवाल पूछे हैं। ये जवाब दो मोदी जी इन 3 सवालों का, उस पर ये प्रेस वार्ता रिलीज की। सवाल है कि उनकी मोदी जी ने के अडानी जी से किस प्रकार संबंध है, उसने किस प्रकार की फंडिंग की है, वे 609 नंबर से 8 सालों में 2 नंबर पर कैसे पहुंच गए, 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी में वो किसके हैं, ये 3-4 सवाल हैं जो मोदी जी से हम पूछ रहे हैं। जिले में कितने कार्ड जाएंगे? जी हाँ, प्रत्येक जिले में 20,000 कोरबा जिले में कार्ड जाएंगे। कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से मेयर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, पार्षद संतोष राठौर, कांग्रेस नेत्री सपना चौहान, युवक कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि कोरबा से करीब 20,000 पोस्ट कार्ड पीएम को भेजे जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए इमानुएल तांडिक के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।